अच्छा लिखना हम सबकी इच्छा होती है, लेकिन सभी की लिखावट अच्छी नहीं होती। कारण मुख्य रूप से यही है कि शायद बताया नहीं गया। इस वीडियो में हमने आपके लिए सुंदर लिखावट सुधारने के तरीके को शेयर किए हैं, जिसे अपना कर आप अपनी हिंदी अथवा इंग्लिश की लिखावट को बेहद आकर्षक बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले सुलेख और अच्छी लिखावट पर आपसे दो बातें भी करना चाहता हूँ। प्रकृति के द्वारा दिया गया कुछ उपहार जो हम इंसानों को अन्य जीवों से अलग बनाता है, उन्हीं महान उपहारों में से कलम पकड़कर हाथ से लिखना भी एक है। अच्छी लिखावट अपने दोस्तों और सहयोगियों के बीच हमारी एक अलग छवि का निर्माण करती है। जमाना भले ही कितना भी डिजिटल हो गया हो, लेकिन लिखने का चलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। लिखने का महत्व। मानव सभ्यताओं के विकास में लिखने की कला का बड़ा ही अहम योगदान रहा है। पुरानी पीढ़ियों ने अपनी आने वाली संतियों के लिए ज्ञान को संजोकर रखने का आरंभ किया, जिसमें नई पीढ़ी ने अपने जीवन विकास के कार्यक्रम को वहां से शुरू किया जहां पुरानी पीढ़ी ने खत्म किया था। दोस्तों, आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि लिखावट हमारे व्यक्तित्व की पहली छाप छोड़ता है। हमारे आसपास के लोगों पर महज आज से लगभग 20 साल पहले लोग चिट्ठियों पर निर्भर रहा करते थे, और जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी थी उनको अपने आसपास के लोगों के कुछ मनोभावों को चिट्ठी में लिखना ही पड़ता था। यह उनके लिए एक अनिवार्य समाज सेवा थी, जिसे कई बार ना चाहते हुए भी उन्हें करना ही पड़ता था। कहीं कोई महत्वपूर्ण संदेश भेजनी हो, किसी शुभ लग्न की पर्ची लिखानी हो, या अन्य ऐसे ही निंतांत व्यक्तिगत या पारिवारिक कार्य हो, चिट्ठियाँ और चिट्ठी के सहारे ही लिखावट हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा, शायद आप इसे समझ गए होंगे और खुद को इस सत्य से जोड़ भी पा रहे होंगे। अच्छी लिखावट पर लोगों के विचार। कभी महात्मा गांधी ने कहा था, बैड हैंडराइटिंग इज़ द सिंपल ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। दुनिया के कई महान व्यक्तित्व ने भी इसे बहुत अहम माना है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी अपनी खराब लिखावट के लिए कई बार अफसोस जताया था। मित्र, कई बार हम लोग कैलीग्राफी और हैंडराइटिंग को एक ही मान लेते हैं, लेकिन कैलीग्राफी एक डिजाइनर आर्ट फॉर्मेट है अक्षरों को लिखने का, और कैलीग्राफी बड़े ही आराम से किया जाता है, जबकि हैंडराइटिंग में हम फटाफट और तेज़ी से अपनी दैनिक ज़रूरत की चीज़ों या अपने मनोभावों को कागज़ पर उकेरते हैं। अपनी लिखावट को सुधारने के कुछ अहम टिप्स और ट्रिक। यदि आप भी अपनी खराब लिखावट से थोड़ा चिंतित हैं और उसमें सुधार चाहते हैं, तो आगे हम आपको बताने वाले हैं राइटिंग सुधारने का वैज्ञानिक तरीका, लिखावट सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, जिसे अपनाकर आप अपनी लिखावट को बेहद सुंदर, आकर्षक और उत्कृष्ट बना पाएंगे। चलिए जानते हैं राइटिंग सुधारने का आसान तरीके को। फर्स्ट, लिखने से पहले का अभ्यास। लिखने में आमतौर पर हम रेखाओं, चाहे सरल सीधी रेखा हो या वक्र रेखा, का उपयोग करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के लगभग सभी अक्षरों को इन्हीं रेखाओं के संयोजन से लिखा जाता है। यदि आप बिल्कुल नई वर्णमाला को सीख रहे हैं, तो पहले खड़ी और पड़ी रेखाओं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के साथ वृत्त, अर्धवृत्त और अन्य कर्व बनाने का अभ्यास करें। यदि आप वर्णमाला से परिचित हैं और अपनी लिखावट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो भी खाली पेज पर इन आकृतियों को बनाने का अभ्यास करें, यह आपको निश्चित ही लाभ पहुँचाएगा। आजकल स्कूलों में भी बच्चों को पहले यही स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से शुरुआत करवाते हैं। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड, लिखने की आदत विकसित करें। अंग्रेजी की एक खूबसूरत कहावत है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, अभ्यास से ही एक नौसिखिया व्यक्ति निपुण व्यक्ति बनता है। यदि आप सच में अपने हैंडराइटिंग को लेकर चिंतित हैं, तो अधिक से अधिक लिखने का प्रयास कीजिए। अपनी किसी प्रिय पत्रिका या पुस्तक को देखकर उसे सही सही कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। आप यदि कामकाजी व्यक्ति हैं और व्यस्त रहते हैं, तो भी आप अपने दैनिक कार्यों में इस अभ्यास को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को ईमेल करते हैं, तो ईमेल करने के बदले में उसे लिखकर स्कैन करके भेज दें। इसमें आपको ईमेल करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपको अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय नहीं निकालना पड़ेगा। लिखी हुई चीज़ें आज भी व्यक्तिगत स्तर पर ज़्यादा जुड़ाव उत्पन्न करती हैं। हाथों की लिखावट आपको थोड़ा और करीब ला सकती हैं, इसलिए जहाँ कहीं संभव हो लिखकर भेजने की कोशिश कीजिए। थर्ड,
सही तरीके से लिखें। प्रारंभ में लिखने के अभ्यास को थोड़ा ध्यान से कीजिए। शब्दों को लिखने के लिए अक्षरों का आकार ना तो अधिक बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा। शब्दों और अक्षरों के बीच उपयुक्त और समान दूरी हो, इसका भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि कहीं दो शब्द के मध्य एक उंगली की दूरी हो और कहीं तीन उंगली की। आप जो भी अंतराल निर्धारित कर रहे हों उसका क्रम बना रहना चाहिए। अच्छी लिखावट में शब्दों के बीच तथा लाइन से लाइन की दूरी एक बहुत महत्व है। यदि आप लिखने में इन दोनों दूरियों को सही अंतराल को पूरे पृष्ठ में दोहरा पाएंगे तो स्वतः ही आपकी लिखावट में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। 4th, लिखते समय सफाई का ध्यान रखें। पृष्ठ को साफ सुथरे दिखने का आपकी लिखावट के सुंदर लिखने में सबसे बड़ा योगदान होता है। पहले जैसे कि आप देख चुके हैं, दो शब्द और दो लाइनों के बीच समान दूरी होना अच्छी बात है। उसी प्रकार लिखने में हमें ओवरराइटिंग और बहुत अधिक कटकुट करने से बचना चाहिए। यदि कोई शब्द गलत लिख दिए हैं तो उसको केवल एक क्षैतिज लाइन से बीचों बीच काटकर पुनः आगे लिखना प्रारंभ कीजिए। इससे आपका लिखा हुआ अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। 5th, अच्छे लेखन सामग्री का उपयोग करें। अच्छे लेखन सामग्री से हमारा तात्पर्य अच्छा पेन और अच्छे पृष्ठ वाली कापी और नोटबुक से है। यहाँ अच्छा लेखन सामग्री अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। जैसा कि मुझसे कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप कौन से पेन से लिखते हैं, यह कौन सा पेन है। दोस्तों, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा पेन अच्छा लगता है और कौन से पेन से लिखना आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। कहने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन पेन, पेंसिल और कागज़ का इस्तेमाल करिए जिसका उपयोग करते हुए लिखना आपको व्यक्तिगत तौर पर अच्छा अनुभव देता है, जिसका उपयोग करने से आपकी लिखावट सुंदर और साफ सुथरी दिखती है। 6th, अक्षरों के मूल आकृति को बनाए रखें। प्रत्येक भाषा के वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को एक विशिष्ट आकार दिया जाता है। अपने लेखन अभ्यास के दौरान आपका यह प्रयास रहना चाहिए उस निर्धारित मानक आकृति को उसके अगले रूप में लिखें, न कि उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ परिवर्तन कर दें। 7th, जल्दी लिखने का गलत तनाव। प्रारंभ में आप अधिक तेज नहीं लिख पाएंगे, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल आपको शुरुआत में थोड़ा धीरे ही लिखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो अक्षरों की आकृति है आप उसके अनुसार ठीक से अपने हाथों को घुमाना सीख लें। जब आपके हाथ और उंगलियां अक्षरों को सही से लिखने में अभ्यस्त हो जाएं, तो फिर आगे आप अपनी गति को बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। 8th, पेन को दबाकर पकड़ना गलत है। कलम पकड़ना इंसानों को परमात्मा का दिया गया एक अनुपम उपहार है, इसलिए पेन सही से पकड़ें। पेन या पेंसिल को अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से ही पकड़ें, इसमें लिखने में आसानी होगी। इसके साथ ही पेन को सही से पकड़ने में हमारा तात्पर्य यह भी था, पेन को बहुत जोर से दबाकर नहीं पकड़ें। पेन पकड़ने के क्रम में आपकी उंगलियों की मांसपेशियां दबाव महसूस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शुरू में यह आदत आपको अच्छी लग सकती है। बाद में यदि एकाध पेज से ज़्यादा लिखना पड़ा तो नाखून दबाव में सफ़ेद हो जाएगा और उंगलियां आगे लिखने में जवाब दे जाएंगी। 9th, नोटबुक को घुमा कर देखें। दोस्तों, हम सबको बचपन में सिखाया जाता है कि पेपर को कैसे रखें। सामान्यतः हम अपने सीध में नोटबुक को रखते हैं। अक्सर लोगों के लिए यह काम करता है, लेकिन थोड़ा मैं अलग अंदाज में लिखता हूँ जो मुझे आसान लगता है। जब मैं नोटबुक को लगभग 120 डिग्री के कोण में रखकर लिखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बैठने की जगह से थोड़ा बहुत कापी को घुमा कर लिखने का प्रयास कीजिए। क्या पता कुछ अच्छा परिणाम आपके लिए भी निकल आए। यदि कापी रोटेशन से कोई फ़ायदा आपको मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें पूरा विश्वास है कि लिखावट सुधारने के तरीके को लेकर प्रस्तुत हमारा यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाला समय आपके जीवन में शुभ हो। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।